सुनाते हैं आज आपको दीपा की कहानी। दीपा की कहानी रील नहीं, रियल है। 6 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हुई महिला सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार से मिली। सोशल मीडिया ने 6 वर्ष बाद एक परिवार को मिला दिया। ये कहानी है 6 वर्ष पहले उत्तराखंड के चमोली में रहने वाली दीपा की। दीपा की उम्र 33 वर्ष है। अपने पति की मौत के बाद दीपा गायब हो गई थी। परिवार वालों ने बहुत खोजबीन की, पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन दीपा का कुछ कहीं पता नहीं चल सका। यह सोचकर घर वालों ने संतोष कर लिया कि शायद दीपा की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। उत्तराखंड के चमोली की रहने वाली दीपा की कहानी मेरठ में आकर एक नया मोड़ लेती है। दीपा की कहानी आपको कुंभ मेले की भी याद दिलाती है कि कोई बिछड़ा कैसे मिलता है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर होने का असर। मेरठ की खरखोदा पुलिस को सूचना मिली कि कोई महिला झाड़ियों में गंभीर हालत में है। पुलिस जब महिला के पास पहुंची तो महिला सोई हुई थी। पुलिस महिला को लेकर अस्पताल ले गई। महिला अपने घर का पता या फिर किसी का नाम नहीं बता पा रही थी, लिहाजा पुलिस ने महिला को वृद्धाश्रम में रखने का निर्णय लिया। साथ ही मेरठ पुलिस ने सोशल मीडिया ग्रुप और उत्तराखंड के थानों और दिल्ली में भी महिला के फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर होने का असर यह हुआ कि खरखोदा पुलिस के पास उत्तराखंड से के चमोली ज़िले से फ़ोन आया। बस फिर क्या था, महिला की पहचान के लिए चमोली से एक परिवार मेरठ आया और देखते ही अपने घर वालों और सदस्यों को महिला तुरंत ही पहचान गई। फिल्मों में मिलती है ऐसी कहानियाँ। इन 6 वर्षों में महिला कहाँ रही और कैसे वो सैकड़ों किलोमीटर चमोली से मेरठ आई, ऐसे सवालों का जवाब तो वो नहीं दे पा रही है। घर वालों का कहना है कि धीरे धीरे जब महिला सामान्य होगी तभी इन सब बातों का पता चल पाएगा। आखिर 6 वर्ष उनके लिए कितने कठिन गुजरे। बहरहाल उत्तराखंड के चमोली से आया परिवार मेरठ पुलिस को धन्यवाद दे रहा है जिन्होंने उनके घर के सदस्य को रेस्क्यू किया। पुलिस ने भी एक परिवार को आपस में मिलता देख संतुष्ट महसूस किया। उनकी बदौलत आज एक परिवार फिर से रौनक हो गया। वाकई में ऐसी कहानियाँ तो फिल्मों में दिखाई और सुनाई पड़ती हैं, लेकिन दीपा की कहानी रील नहीं, रियल है। दीपा अब फिर से 6 वर्ष बाद अपने परिवार और अपनों के बीच खुशहाल जीवन बिता पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ।